गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कक्षा 8 में हमने पहला लेसन पढ़ा था सुभाषितानी। आज हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। इसके पहले लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो पहला है पाठ्य रतानम पदानम सस्वर वाचनम भूत, यानी पाठ में दिए गए पदों का, ये जो श्लोक है ठीक है, इन पदों का आपको वाचन करना है यानी पढ़ना है आपको, और इसका हिंदी अनुवाद पढ़ना है ठीक है। तो ये पहला आपको करना नहीं है, हिंदी अनुवाद बस आपको बता दिया कि कॉपी में करना है। अब दूसरा देखो श्लोका से सुरिक्त स्थान ही पूरे, यानी श्लोकों के रिक्त स्थान पूरे करने हैं। तो समुद्र मासाद, ये रिक्त स्थान भी आपके क्या है, इन श्लोकों में से लिया गया। तो समुद्र मासाद, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें क्या है कि समुद्र मासाद ये पहले श्लोक में से है। तो समुद्र मासाद भवंतो पेय, भवंत पेय यानी समुद्र में मिलकर वह पीने योग्य नहीं होता है। अब रिक्त स्थान वचन मधुर सुक्ति सर्जनती, यानी वचन को मधुर सुक्त रस के रूप में निर्माण करते हैं। तो श्रुत्वा, श्रुत्वा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, श्रुत्वा यानी वचन को सुनकर मधुर सुक्ति के रस में निर्माण करते हैं। तद भागदेयम फिर रिक्त स्थान पशुनाम, ये उनका भाग्य यहाँ आ जाएगा परम, यानी ये तो पशुओं का परम सौभाग्य है। तो पहले में भवंतो पेय, दूसरे में श्रुत्वा, तीसरे में आ जाएगा परम। आगे देखो इसका विद्याफलम कृपोपणस्य शोकम, यानी विद्याफलम वेशनीन है, विद्याफल खर्च करने से ठीक है। पौरुषम विहाय ये अवलंबते, पौरुषम विहाय तो देवम अवलंबते, पुरुष यानी परिश्रम को छोड़कर, देवम अवलंबते यानी भाग्य पर आश्रित रहते हैं। चिंतनिया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया, यानी आपदा में पहली प्रतिक्रिया क्या होती है, उसका उसका कुछ ना कुछ उपाय सोचना, तो इसमें आ जाएगा आधा वेव। अब देखो इसमें रिक्त स्थान दिए गए हैं, ये आपको इसमें बढ़ लेना देख के ठीक है, और ये आपको नोटबुक में करना है। अब आगे हैं वेशनीना किम नश्यति, वेशनीना यानी बुरी लत वाले का नश्यति, क्या नष्ट होता है, जो बुरी लत वाले होते हैं उनका क्या नष्ट होता है। तो देखो यहाँ विद्याफल दे रखा है, तो क्या होता है विद्याफल, यानी विद्या का फल, बुरी लत वालों का क्या नष्ट होता है, विद्याफल। कस्य यश नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, तो लुब्धस्य, किसका, लुब्धस्य यानी लोभी का। मधुमक्षी का किम जनयति, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, तो माधुर्यम यानी शहद को, किसको, शहद को, माधुर्यम यानी शहद को। मधुर सुक्त रसम के सर्जनती, मधुर सुक्त रस को कौन उत्पन्न करता है, तो संत है यानी सज्जन, अच्छे जो लोग होते हैं सज्जन लोग होते हैं। अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, अर्थिन यानी याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं, तो वृक्षेभ्य यानी पेड़, याचकों से कौन विमुख नहीं होते हैं, पेड़ विमुख नहीं होते हैं। ये इसके क्वेश्चन आंसर है एक पदेन वाले। अब इसमें देखो निम्नलिखित तद्भव शब्दों के लिए पाठ से संस्कृत पद चुनकर लिखना है। कड़वा है, कड़वा को संस्कृत में कहते हैं कट्टू या कट्टुकम, क्या कहते हैं, कट्टुकम। कंजूस को कहते हैं कृपण है, पूंछ को कहते हैं पुच्छ है, लोभी को कहते हैं लुब्ध है, क्या कहते हैं, लुब्ध है। मधुमक्खी को कहते हैं मधुमक्षिका, तिनका को कहते हैं तृणम यानी घास। देखो कड़वा कट्टुकम इसका आंसर दिया हुआ है, पूंछ पुच्छ है, लोभी लुब्ध है, मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। आगे अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत, निम्नलिखित वाक्य में कर्तपद और क्रियापद का चयन करना है, किसमें कर्ता कौन है और क्रिया क्या है। तो संत मधुर सुक्त रसम सर्जंती, अब कर्ता वो होता है जो कार्य करता है और क्रिया यानी काम का करना, तो इसमें कर्ता कौन है, संत, संत है जो मधुर सुक्तियों का निर्माण करता है, तो कर्ता कौन हो गया, संत, और क्रिया क्या हो गई, निर्माण करना, सर्जंती। निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, ठीक है, निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, तो इसमें दोष तो क्या हो गए, कर्ता हो गया, और भवंती यानी होता है, करता है, नाचता है, पढ़ता है, ये सब हो जाती है क्रिया, तो भवंती क्रिया हो गई। गुणगेशु गुणा भवंती, इसमें भी क्या है, भवंती तो क्रिया हो गई और गुणा क्या हो गया, कर्ता। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, तो मधुमक्षिका तो कर्ता हो गया, जनयेत यानी उत्पन्न करना क्रिया हो गई। पिशुनश्य मैत्री यश्य नाश्यति, अगला है पिशुनश्य मैत्री यश्य नाश्यति, तो पिशुनश्य मैत्री
यानी चुगलखोर मित्रता। तो पिशु नश्य मित्री में मित्रता क्या हो गया कर्ता, और नाश्यति नष्ट होना क्या हो गई क्रिया। नदर समुद्र माशाद अपया भवति, यानी नदियाँ जो समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं होती है, तो नदय नदियाँ तो क्या हो गई कर्ता हो गई, भवंती क्या हो गया क्रिया। अब देखो रेखांकित तानी पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु, प्रश्न का निर्माण करना है। गुणा गुणगेशु गुणा भवन्ति, यानी गुण गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं, गुणों को जानने वाले में क्या होते हैं गुण होते हैं। तो अपन क्या करेंगे गुणा, हाँ तो गुणा की जगह क्या जाएगा के, यानी कौन गुणगेशु कौन गुणों को जानने वालों में गुण होते हैं, तो इसमें के प्रश्न का निर्माण करना यानी के यानी कौन। नदय सुसुवादु तोया बनती, यानी नदय नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली होती है, तो नदय यानी नदियाँ ये क्या है स्त्रीलिंग में, तो इसमें क्या यूज हो जाएगा का, यानी कौन स्वादिष्ट जल वाली होती है, तो नदय की जगह का लिख देंगे और वेशा का वैसा उतार लेंगे। फिर है लुब्धस्य यश नश्यति, लुब्धस्य यानी लोभी का यश नष्ट हो जाता है, तो लोभी का तो कस्य लुब्धस्य है, तो इसी विभक्ति का प्रयोग हो जाएगा क्या जाएगा कस्य, कस्य यश नश्यति किसका यश नष्ट हो जाता है। मधुमक्षी का माधुर्यमेव जन्यति, मधुमक्षी मधुमक्खी है जो मधुरता को उत्पन्न करती है, तो मधुमक्षी का ये भी क्या स्त्रीलिंग में तो का आ जाएगा, का माधुर्यमेव जन्यति कौन है जो मधुरता को उत्पन्न करती है। तस्य मूर्धिनम तिष्ठन्ति वायसा, तस्य मूर्धिनम तो तस्य उसके सिर पर कोए बैठते हैं, तो तस्य मूर्धिनम, मूर्धिनम की जगह क्या आ जाएगा कस्मिन, यानी किस पर कोए बैठते हैं, कस्मिन यानी किस पर। ये देखो इसके आंसर नीचे दिया गुणा की जगह के नदय का, लुब्धस्य कस्य मधुमक्षी का मूर्धिनम तस्य, ठीक है। अब है आगे सातवां, देखो उदाहरण के अनुसार पदानी पृथक कृत, यानी इन पदों को अलग करना है पृथक करना, जैसे समुद्र माशाद तो समुद्रम प्लस आसाद, वैसे ही माधुर्यमेव माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव अल्पम प्लस एव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव, देवमेव तो देवम प्लस एव, महात्मानुमुक्ति महात्मानाम प्लस उक्ति, विपदा मादावेव विपदाम प्लस आदावेव। देखो नीचे माधुर्यमेव का क्या होगा माधुर्यम प्लस एव, अल्पमेव अल्पम प्लस एव, सर्वमेव सर्वम प्लस एव, देवमेव देवम प्लस एव, महात्मानाम मुक्ति महात्मानाम प्लस उक्ति, विपदा मादावेव विपदाम प्लस आदावेव। ये है संधि, संधि को इसमें पृथक करना था, ठीक है। अब इसमें देखो ये संधि समस्त पद दिया हुआ अपन को पृथक करना था, अब कभी क्या होता है ये पृथक दिया हुआ आता है और इसका समस्त पद बनाना होता है, तो जो भी क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं ये आपको नोटबुक में करने हैं और इसका हिंदी अनुवाद भी आपको करना है, पहला लेसन है जो कम्प्लीट हो गया है। ओके थैंक यू।